नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज एग्जाम पॉइंटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएस 1 लाख यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, आरओएआरओ के लिए महत्वपूर्ण है और ये यूपीपीसीएस आईएएस एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, टेट सीटेट सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बाद में संवैधानिक विकास, पहले चार्टर देखेंगे। चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 पहले आता, फिस्ट इंडिया फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा जो आता तीसरा अधिनियम 1786 में, और अगला चार्टर आता है 1793 में, और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब 1773 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी रही। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला जो एक्ट आता है मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी, 1773 के एक्ट के अंतर्गत किन नए प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये भी 1773 के आधार पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 4 थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वैन हेस्टिंग को बनाया था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो ये एक्ट था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये था कलकत्ता में। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, वो थी 4, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता क्षेत्र में शामिल विषय थे सिविल, आपराधिक, नौसेना मामलों में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती है प्रिवी काउंसिल में। अगला जो एक्ट है, 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, तो ये भी एक्ट 1773 ही था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल नियंत्रक मंडल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी। अधिनियम 1786, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था,
ये 1786 अधिनियम के तहत था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी? 1786 अधिनियम के द्वारा। अगला जो चार्टर था 1793 का, इस चार्टर अधिनियम 93 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्ष। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? 1793 का चार्टर अधिनियम था। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जब गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उपप्रधान नियुक्त कर सकता था? चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? ये भी 1793 था। अगला चार्टर है 1813। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत के व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? 1813 का चार्टर। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813। अगला जो पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833, इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्य एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 एक्ट था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया था? 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में ये उपबंध किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात धर्म जन्म स्थान वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87। किस चार्टर के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था? 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया? मैकाले को। चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें है पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? 1853 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ये भी 1853 के चार्टर थे। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारम्भ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई, मैकाले समिति थी वो भी। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? 1853 चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में किया गया। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? 1858 ईस्वी में। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनको समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए बंद किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था? 1861 में भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई? वायसराय को। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की विभागीय प्रणाली की। अगला जो पॉइंट है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदों या विधान परिषदें थीं बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप से सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार को शुभारंभ का प्रथम प्रयास था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 3। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? यह था 1892। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, 8 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्य। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? अधिकतम 20। केंद्रीय विधान परिषद सदस्य विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारण या निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? परोक्ष निर्वाचन समिति रीति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र तथा प्रांतों दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट,
पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। विश्वविद्यालयों, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदार तथा आदि की सिफारिशों पर 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाएं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति परामर्शदात्री या परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, राम बिहारी बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत परिषद अधिनियम 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था, जनवरी 1910 में। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा कर दी गई थी 60 सदस्य। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 69 सदस्य थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था 1909। मार्ले मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी, पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी, मिश्रित निर्वाचन मंडल। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मातृ परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाले या रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, एटी अरुंडेल। अगला पॉइंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था, तो ये था परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थीं, तो ये थी 3। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषदों में लोकहित के विषय में प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था, तो भारत
में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा की मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया था? द्वैत शासन को। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्याय गमन नियमों के अनुसार। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? यानी कि करने वाला कानून कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला जो पॉइंट है, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? 1 सदनीय। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिखों, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। अगला है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष के लिए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा की शस्त्र बुलाने और स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित गवर्नर में थी। किस प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली के संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत यानी प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? तो ये था 1919 अधिनियम। वही अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक विल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी में
कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी 3 से 2 बढ़ाकर। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? आईबीए तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था? 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? 1919 में किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्र सरकार में विहित विषय थे नाविक सेना वाय संबंध भारतीय राज्यों के संबंध रेलवे डाक और तार मुद्रा ऋण आय के साधन फौजदारी तथा दीवानी कानून अखिल भारतीय सेवाएं आदि थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे तो स्थानीय स्वशासन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग बिक्री कर सहयोगी सहकारी समितियां भूमि कर प्रशासन सिंचाई न्याय पुलिस तथा कारागृह आदि था। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्य मार्गियों द्वारा। मुडीमैन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत का गवर्नर जनरल राज